नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपको कमोड इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉयलेट वाला एरिया है और ये देखिए कमोड का पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और जो कमोड है वो यहाँ पे है, सबसे सस्ता वाला कमोड यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। कमोड इंस्टॉलेशन का बहुत सारा वीडियो मैंने दिया है, एक से बढ़ के एक WC है चैनल पर, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जो कमोड इंस्टॉल होगा ना, वो सबसे सस्ता वाला कमोड है। यहाँ पे जो इंस्टॉल हो रहा है वो जो जगह है वो थाना है। मैं आपको दिखाता हूँ मूव करके। देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये थाना है। थाने का जगह मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये थाना है। थाने में जो भी यहाँ पे इंस्पेक्टर होंगे, पुलिस वगैरह, उनके इस्तेमाल करने के लिए या फिर लेडीज टॉयलेट के लिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है, शायद लेडीज यहाँ इसको इस्तेमाल करेंगी। तो यहाँ पे ये वाला कमोड अभी इंस्टॉल हो रहा है। कैसे इंस्टॉल किया जाता है पूरी कंप्लीट जानकारी मैं दूंगा आपको, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टॉल करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे कमोड का अनबॉक्सिंग करना होगा। देखिए यहाँ पे एक पाइप मिलता है, यहाँ पे फ्लश के लिए अटैच होगा और यहाँ पे इसमें कवर है। कवर मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। ये देखिए ये कवर है इसका। उसके बाद कवर को फिक्स करने के लिए यहाँ पे देखिए दो ब्रेकेट मिलता है। देखिए कमोड पूरी तरह से अनबॉक्स हो गया है। पीछे वाला जो व्यू है आप देख रहे हैं, ये वाला देखिए फ्रंट वाला है, यहाँ से साइड वाला है। और जो ये कमोड है ना, कमोड सबसे सस्ता वाला है, थोड़ा सा वेट है। ये बेल कंपनी का लोकल कमोड है। ये जो एकदम लो बजट वाले हैं वो इस कमोड को लगाते हैं। अभी यही इंस्टॉल होगा यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर इसका जो है ना आउटलेट वाला, ये ढका हुआ है। ये अच्छी बात है, ढका रहता है तो दिखाई नहीं देता है, जबकि पाइप जब खुला होता है तो उसके ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं। लेकिन ये जो है ये पूरा ढका हुआ है। देखिए यहाँ पे अंदर है इसका आउटलेट। तो मेजरमेंट आप कैसे करेंगे, किस तरह से इंस्टॉल होगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए कमोड का पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि इस पाइप को आपको कितना कट करना है, किस तरह से आप मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पे जो आउटलेट है 4 इंच वाला वो ये है। ठीक है, तो इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वाला जो सरफेस आप देख रहे हैं, बाहरी वाला जो चारों तरफ से, यहाँ से इस तरह से आप देखेंगे मेजर करके। तो अभी देखिए ये क्या है, ये जो है ना ये अभी यहाँ पे अंदर हो रहा है। कितना अंदर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा सा करीब आके दिखाइए। देखिए यहाँ पे इस सरफेस से देखिए जो मेरा यहाँ पे मेजर टेप है ना, वो यहाँ पे तकरीबन 1 इंच का गैप आ रहा है। ठीक है, 1 इंच का गैप आ रहा है इस सरफेस से, यानी कि इस सरफेस से ये वाला 1 इंच अंदर है। तो उसके हिसाब से मुझे पाइप को कट करना होगा। ये 1 इंच अंदर है इस सरफेस से, तो पाइप को ये जो टाइल्स वाला सरफेस है ना, ये देखिए टाइल्स वाले सरफेस से 1 इंच ऊपर करके कट करेंगे। अभी देखिए ये कितना है, अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो फिर इसको हल्का समय कट करूँगा। तो कुल मिला के आप समझ गए, यहाँ पे टाइल्स वाले सरफेस से 1 इंच ऊपर करके आपको कट करना है। इस तरह से मेजरमेंट आपको कर लेना है। जब भी इस तरह का कमोड इंस्टॉल होता है तो उसके साथ में ब्लैक वाशर आता है इसको फिक्स करने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे ब्लैक वाशर नहीं है, क्योंकि एकदम लोकल कमोड है ये, इसलिए नहीं दिया है। तो यहाँ इसको मैं ऐसे ही इंस्टॉल करूँगा। ये 1 इंच का पाइप इतना बढ़ा हुआ रहेगा, इसके अंदर कमोड को आपको डाल देना है, मार्किंग करना है, लीकेज वगैरह सब कुछ चेक करना है। अब देखिए ये कमोड है, कमोड को उठा के जो पॉइंट है पॉइंट के अंदर डालेंगे, उसके बाद मार्किंग करेंगे। देखिए कमोड को पूरा अंदर में डाल दिया, ये पूरी अच्छी तरह से बैठ चुका है, क्योंकि पाइप जो है प्रॉपर कटा हुआ था, टाइल्स वाले सरफेस से 1 इंच ऊपर था, आपने देखा है, और उसके ऊपर कमोड को मैं रख दिया हूँ। अब क्या करना है आपको, देखिए अब आपको यहाँ पे सबसे पहले मार्किंग नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पे पानी डालना है। पानी डाल के लीकेज को चेक करेंगे, या अगर यहाँ पे लीकेज नहीं आता है साइड में तो फिर मार्किंग करेंगे, और अगर लीकेज आता है तो फिर से इसको सेट करेंगे, देखेंगे क्या कमी है, क्यों लीकेज आ रहा है। तो चलिए पानी डाल के लीकेज को चेक करता हूँ सबसे पहले। अब देखिए पूरा 10 लीटर पानी में यहाँ डाल दिया हूँ, 10 से ज़्यादा ही डाला हूँ। देखिए साइड में कहीं भी लीकेज नहीं है, साइड में इस तरह से देखिए हाथ से चेक करना है, कहीं भी किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर लीकेज आ गया तो फिर इसको सेट करेंगे दोबारा, और अगर लीकेज नहीं आता है तो फिर इसका मार्किंग करना आपको। देखिए चारों तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहीं भी लीकेज नहीं आ रहा है। तो अब मार्किंग आप कर सकते हैं कमोड को फिक्स करने के लिए। कमोड को फिक्स करने के लिए देखिए एक होल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए दिख रहा है, और जो दूसरा होल है दूसरे साइड है वो देखिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसी के सहारे कमोड जो है फिक्स होगा। नीचे किसी भी तरह का सीमेंट वगैरह आपको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप नीचे सीमेंट लगाएंगे तो फिर वो गलत तरीका है, और दोबारा अगर आप इसको निकालना चाहेंगे कमोड को तो निकलेगा नहीं, टूट सकता है, इसलिए स्क्रू पर फिट करेंगे। किसी भी तरह का सीमेंट वगैरह नहीं लगाना है। चलिए मार्किंग करते हैं।
साइड मार्किंग भी करेंगे। साइड मार्किंग जो है वो आसान हो जाएगा, आपको बाद में पता लगेगा कि कमोड जो है मुझे मेरा पहले यहीं पे था और इसी के हिसाब से आप कमोड को रखेंगे। हालांकि ज़्यादा मैटर नहीं करता है क्योंकि इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल आसान है। कस्टमर अगर ये पूरा वीडियो अगर कंप्लीट देखते हैं तो वो खुद अपने हाथ से इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। इवन कोई भी नया प्लम्बर होगा तो भी इंस्टॉल कर पाएगा बहुत ही ईजिली। चलिए मार्किंग मेरा कंप्लीट हो गया है, अब इसको मैं बाहर निकालूंगा। अब देखिए जो मैंने मार्किंग किया था वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक होल मुझे यहाँ पे करना है, एक होल मुझे यहाँ पे करना है और ये वाला मार्किंग साइड वाला मार्किंग है। अब यहाँ पे होल करेंगे और होल करने के लिए 6 mm ड्रिल बिट का इस्तेमाल करना होगा। जो भी फास्टनर आपके पास दिया है उसके हिसाब से आप ड्रिल बिट का चुनाव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे गिट्टी लगा दिया मैं और ये वाला फास्टनर यहाँ पे लगेगा, सिर्फ एक सपोर्ट के लिए है। देखिए आप देख सकते हैं दोनों में फास्टनर लग गया है। अब इसके ऊपर कमोड को उठा के रखेंगे। देखिए कमोड को उठा के इसके ऊपर रख दिया मैं। अब यहाँ पे ये टाइट होगा, दोनों साइड का नट टाइट करेंगे। इधर भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ भी नट निकला हुआ है। अब टाइट करेंगे इसको, और टाइट करने से पहले सबसे पहले दोबारा इसमें पानी डालना है, पानी डाल के लीकेज को चेक करना है और अगर लीक नहीं करता है तो फिर इसको टाइट कर देंगे। देखिए दोबारा पानी यहाँ पे डाल दिया मैं, 10 से ज़्यादा ही पानी डाला। अब भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लीकेज नहीं है, जो भी पानी गिरा है वो पहले वाला है। तो इस तरह से आपको चेक करना है, चारों साइड में लीकेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे लीकेज नहीं है बिल्कुल भी। अब हम कमोड को टाइट करेंगे। कमोड मेरा पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पे सिस्टम आप कैसे लगाएंगे, उसके साथ में यहाँ पे जेट लगेगा, जेट को आप कैसे फिट करेंगे, कवर को आप कैसे लगाएंगे। कमोड देखिए पूरा यहाँ पे फिक्स हो गया है, नट को मैं टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद साइड से यहाँ पे ग्राउटिंग आपको कर देना है। नीचे यहाँ पे वाइट सीमेंट या फिर किसी भी प्रकार का सीमेंट नहीं डालना है। कमोड को टाइट करने के बाद बस ये साइड से ग्राउटिंग कर देना है ताकि दिखने में अच्छा दिखे और नीचे गंदगी ना फैले। कमोड पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया है। अब चलिए सिस्टम को फिट करना, मैं आपको बताता हूँ सिस्टम आप कैसे फिट करेंगे। यहाँ पे नए प्लम्बर के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये। ये देखिए स्किपर ब्रेबो का ये सिस्टम है, स्किपर का। देखिए इसको मैं हटा दिया और ये देखिए दो ब्रैकेट मिलता है, इसके सारे सिस्टम को हैंग करेंगे। उसके बाद ये देखिए ये ब्लैक वाशर है, वाटर लीकेज को रोकता है, कमोड के पीछे लगेगा, इंडियन सादा सीट में भी लगता है ये, और ये कवर है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे कवर को आपको अंदर डालना है। ये देखिए ये ब्लैक वाशर यहाँ पे लगेगा और अभी ये पूरा टाइट है, ज़्यादा लूज भी नहीं है तो अच्छा है। ये ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज होता है अगर ये तो यहाँ पे टेपलॉन वगैरह आप लगा लीजिए तब लीकेज नहीं करेगा। अब देखिए ये लॉन्ग बैंड है, लॉन्ग बैंड यहाँ पे लगेगा लेकिन अभी ये बड़ा है, तकरीबन ये यहाँ पे ये कमोड में 1.5 इंच अंदर आएगा। उसके बाद भी देखिए यहाँ पे गैप नहीं आ रहा है ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे 3 इंच का गैप होना चाहिए लगभग इतना, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसको मैं कट करूँगा अभी। देखिए लॉन्ग बैंड को इस तरह से लगाना है, अभी मैं सिर्फ आपको दिखाया हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम का जो कवर होगा ना वो यहाँ पे डालेंगे। देखिए ये सिस्टम है, यहाँ पे ये कवर को खोलेंगे, ये नट चेक करना है नहीं तो फिर लेके जाएगा इंस्टॉल होने के बाद। देखिए इसको पूरा टाइट कर देना है। अब ये कवर है, कवर को यहाँ पर आपको इस तरह से अंदर डालना है। देखिए अब इसको यहाँ पर लगाएंगे लॉन्ग बैंड को, देखिए लगा दिया। अब ये यहाँ पे टाइट होगा इसलिए पहले डाल लेना है। सिस्टम को उठा के इसके ऊपर रखना है। देखिए इस तरह से रख दिया, बिल्कुल सीधा रखना है, तिरछा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, गंदा दिखता है। देखिए तो लेकिन एक चीज़ करना है पहले, मैं आपको बताता हूँ मार्किंग कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए ये ब्रेकेट है, ब्रेकेट के सहारे सिस्टम हैंग होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरह से डालना है। तो अब ये चीज़ यहाँ पर सेंटर मार्किंग करेंगे पहले, देखिए यहाँ पे। देखिए ये सेंटर मार्किंग है, सेंटर मार्किंग के सामने इस तरह से वॉल पे एक लाइन खींचेंगे इसके ठीक सामने, और उसी तरह से इधर भी। देखिए सेंटर मार्किंग ये है, ये टॉप है कि हाइट वाला है, सिस्टम का हाइट यहाँ तक आ रहा है
अब यहाँ से मेजर करेंगे मेजर टेप से कि होल आपको कितना नीचे करना है। यहाँ से देखिए ये ब्रेकेट को अंदर डाला, टॉप मार्किंग जो हमने किया था वहाँ से इस तरह से मेजर करेंगे। देखिए आ रहा कितना, 45 mm आ रहा है ये, ठीक है 45 mm होल आ रहा है ये, तो उतना वॉल पे मेजर करके मार्किंग करेंगे। देखिए एक होल यहाँ पे होगा, एक होल यहाँ पे होगा, 6 mm का ड्रिल बिट यूज होगा होल करने में। देखिए ब्रेकेट को पूरा टाइट कर दिया मैं, पूरा प्रॉपर टाइट करना है, लूज नहीं छोड़ना है, लूज छोड़ेंगे तो फिर सिस्टम जो है हिलेगा, बाद में गिरेगा, कंप्लेन आएगा कस्टमर का। देखिए यहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे 10 mm का गैप आता है पीछे, आप देख सकते हैं इसमें जाके सिस्टम जो है वो हैंग हो जाएगा, फंस जाएगा। देखिए देखिए सिस्टम मेरा पूरी तरह से बैठ गया है, इस तरह से खींच के देख लेना, देखिए ये फंसा हुआ है। अब ये जो कवर है ना सिस्टम का, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला सिस्टम जो है ना वाशर पे आके बैठना चाहिए, अगर ज़्यादा गैप आएगा तो फिर लीकेज कर सकता है। देखिए अब इसको टाइट करेंगे, देखिए सिस्टम पूरी तरह से फिक्स हो गया है। अब यहाँ पे इसका लेबल भी सेट करना, अभी मैं आपको बताऊँगा कि इसका लेबल आप कैसे सेट करेंगे, ओवरफ्लो वाला जो प्रॉब्लम आता है वो क्यों आता है सब कुछ बताऊंगा। इससे पहले चलिए यहाँ पे कवर फिक्स करना और जेट लगाना, मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाएंगे। देखिए ये कवर है और सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये जेट है, ये जेट पत्ती है, यहाँ पे प्लास्टिक का बेस दिया है ताकि जो है कमोड पे स्क्रेच ना आए। देखिए ये पत्ती है और ये जेट है, आपका जो पॉइंट जिधर हो उसके हिसाब से इसको लगा सकते हैं। जैसे कि आप समझिए, देखिए मेरा जो पॉइंट है वो उस साइड में है तो इसको मैं इस साइड भी लगा सकता हूँ देखिए, या फिर अगर आप चाहें तो इसको पलट के यहाँ पे इस तरह से इधर से भी लगा सकते हैं। मैं इधर से ही लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो है कनेक्शन पाइप ये अभी लंबा है, तो मैं इसको इधर इस तरह से घुमाऊँगा, इसलिए इसको मैं यहाँ पर लगा दिया। अब ये यहाँ पर इस तरह से लग जाएगा, उसके बाद कवर आप टाइट करेंगे। देखिए ये कवर है और इसका ये बेस है, टाइट करने के लिए कवर को इसको यहाँ पर इस तरह से अंदर डालना है, देखिए डाल दिया। और ये वाला भी देखिए यहाँ पे इस तरह से चला जाएगा, यहाँ पे इस तरह से घुमा के आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं डिस्टेंस जो है, जो होल है उसका डिस्टेंस। देखिए अब ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, ये बिल्कुल अभी यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल सही है ये, इस तरह से आपको मिला लेना है। देखिए ये जेट है, अब जेट को यहाँ पर इस तरह से आपको डाल लेना अंदर। देखिए ये नट है, जिट मेरा पूरी तरह से बैठ गया है, देखिए कवर भी बैठ गया। अब ये नट प्लास्टिक का नट है, नीचे से टाइट कर देंगे, साइड में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अब कमोड मेरा पूरी तरह से यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, जिट भी लग गया, कवर भी लग गया, सिस्टम भी यहाँ पे लग गया है। अब लेबल सेट करना बताऊँगा, यूज करने का तरीका बताऊँगा कि कमोड को आप कैसे यूज करेंगे, यूज करने का सही तरीका क्या है। देखिए सिस्टम का कनेक्शन पाइप यहाँ पे लगा दिया, जेट वाले भी पाइप अटैच हो गया है, सप्लाई को ऑन करता हूँ मैं, देखिए ऑन कर दिया। और जैसे ही ऑन किया नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी भरना स्टार्ट हो गया है, देखिए पानी यहाँ पे गिर रहा है, ये देखिए पानी यहाँ पे भर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ये भरता हुआ आएगा ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है ये पानी भरेगा, कैसे काम करता है बताता हूँ। देखिए पानी भर रहा है, पानी जैसे ही भरता हुआ आएगा धीरे धीरे जो बॉल दिख रहा है ना बॉल इस तरह से ऊपर आएगा, देखिए मैनुअल हाथ से ऊपर किया, पानी गिरना आप देख सकते हैं बंद हो गया है। और जैसे ही इसको मैं छोड़ूंगा ये नीचे जाएगा, उसके बाद पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, देखिए छोड़ दिया। फिर से यहाँ पे इसके अंदर एक वाशर होता है और ये दबाव बनाता है, जब ये दबाव बनाता है तो पानी गिरना बंद हो जाता है, और जब ये दबाव इसका छूटता है तो फिर ये बॉल नीचे जाता है, दबाव छूटता है तो पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक काम करता है इस तरह से। देखिए पानी भर रहा है, भरता हुआ ऊपर आएगा, जैसे ही कोई फ्लश करेगा ये बॉल नीचे जाएगा, फिर से पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा।
चलिए वेट करते हैं, थोड़ा सा पानी भरने देता हूँ मैं। देखिए अभी सिस्टम में पानी भर रहा है, फ्लश करके दिखाऊंगा इसका प्रेशर में। उससे पहले यूज करने का तरीका आप समझ लीजिए। देखिए कमोड है, कैसे यूज करना है। देखिए अगर यूज में नहीं है तो फिर इस तरह से इसको ढक के रखेंगे, ठीक है। देखिए ये कवर है, फाइनल कवर। उसके बाद अब किसी को आना है फ्रेश होने के लिए, तो देखिए इसके ऊपर नहीं बैठना है, ठीक है। इसके ऊपर अगर बैठेंगे तो देखिए ये जेट निकला है, पीछे कट लग सकता है, या फिर अगर जेट नहीं भी लगा हुआ हो तो भी ये बैठने का तरीका नहीं है, कंफर्टेबल फील नहीं होगा बैठने के बाद। बैठने वाला जो पैड है वो ये है, देखिए इसके ऊपर आपको बैठना है। और फ्रेश हो लिया, यूज में नहीं है तो फिर इस तरह से कवर को ढक देंगे, बंद कर देंगे। साफ सफाई करना है, दोनों पैड को उठाएंगे, साफ सफाई किया उसके बाद इस तरह से कवर कर देंगे, यूज नहीं करना होगा। तो जेट कैसे यूज करना है तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके ऊपर भूल के भी नहीं बैठना है, अदरवाइज पीछे जो है कट लग सकता है। यहाँ पे उठाया फ्रेश होने के लिए, देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जैसा कि मैंने दिखाया एकदम नॉर्मल फिटिंग है, एकदम कॉमन फिटिंग है। यहाँ पे थाना है, पुलिस स्टेशन, वहाँ पे ये फिटिंग किया गया है, तो आपको पता ही है आप लोग को सरकारी काम कैसा होता है। देखिए यहाँ से जेट को मैं ऑन करता हूँ, देखिए अभी ये गलत है, देख रहे हैं ना पानी कहाँ पर जा रहा है। तो इसको मुझे थोड़ा सा दबाना पड़ेगा नीचे, ताकि पानी नीचे जाए। गिलास दिया था, चालू है, बंद बंद कर लिया, रोक ले रहे। देखिए थोड़ा सा इसको मैं दबा दिया हूँ, देखिए यहाँ पे इस तरह से हल्का सा इसको दबा देना है। ये जो है सब टेम्परेरी में लग रहा है, ठीक है। ये वाला जेट नहीं लगता है कभी भी, जेट इसके ऊपर लगता ही नहीं है, पूरा गलत है, नियम नहीं है। नियम ये नहीं कहता है जिसके ऊपर आप जेट लगाइए, जेट जो है वो लगता है इसके नीचे, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे फिट होता है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा झुका दिया, देखिए अभी यहाँ पे चल रहा है। प्रेशर को यहाँ पे आप अपने मन मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। और फ्रेश होने के लिए खुद को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, लेफ्ट राइट या फिर आगे पीछे फ्रेश होने के लिए। तो ये जेट हो गया, सिस्टम मेरा पूरी तरह पानी से भर चुका है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ तक भर चुका है ये। और अगर आप चाहते हैं कि पानी को कम करना या फिर बढ़ाना, तो देखिए बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक स्क्रू दिख रहा है, ठीक है। स्क्रू को यहाँ पे इस तरह से टाइट करेंगे, जब स्क्रू को आप इधर टाइट करेंगे बाहर आएगा ये, तो फिर क्या हो गया, इसका लेवल जो है वो बढ़ेगा धीरे धीरे, पानी और बढ़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि पानी यहाँ पर कम भरे, लेवल को कम करें, तो फिर इसको आप लूज करेंगे, स्क्रू को लूज करेंगे, तो फिर ये पीछे दबाव बनाएगा और लेवल इसका कम हो जाएगा। इस तरह से ये काम करता है। चलिए फ्लश करके दिखाता हूँ मैं इसका प्रेशर। फ्लश किया, देखिए देख सकते हैं आप, प्रेशर बहुत बढ़िया है। यहाँ पे किसी भी तरह का कचरा होगा पूरा साफ हो जाएगा, पानी ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर, देखिए फ्लश किया था, पानी खाली हुआ था, देख सकते हैं बाल नीचे गया है और पानी भरना फिर से दोबारा स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक काम करता है। अब जैसे ही ये इस तरह से मैनुअल धीरे धीरे, देखिए ऑटोमेटिक ऊपर आएगा तो पानी भरना बंद हो जाएगा इस तरह से, देखिए बंद हो गया। चलिए इसका कवर मैं लगा देता हूँ अब। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अभी आपने देखा इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप कमोड को कैसे इंस्टॉल करेंगे, सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे फिट करेंगे, ऑटोमेटिक ये कैसे काम करता है, सब कुछ मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। और साथ में ही आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि चैनल का एनालिटिक जब मैं देखता हूँ तो जो व्यूज दिखाता है ना वो रिकमेंडेशन से दिखाता है,
जो हमारे सब्सक्राइब किए दर्शक हैं आप लोग वो बहुत ज़्यादा कम देखते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए ये कंटेंट जो है वो आप लोग तक पहुंचाने के लिए। तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हो पेज को जरूर फॉलो कीजिए। पेज का जो नेम है वो है सोनू इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विस। पेज का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टा का भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाइए और फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में नेटअप के साथ।